चाहे गरम गरम और या अदरक और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बड़ी मतलब आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी ने वृंदावन है। आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। और देखो मेरी जवान भी लड़खड़ा रही है, वो इसलिए क्योंकि सुबह ही हमारा प्लान बना है और अभी 1:30 बज रहे हैं। तो मतलब हमारा 10:30 बजे प्लान बना है कि हमें जाना है और हम तैयार हुए हैं और सारी फैमिली जा रही है और बाकी सब नीचे जा चुके हैं। अभी मम्मी, मैं और ये हैं, तो अब निकल रहे हैं हम सब और वहाँ के ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग ब्लॉग्स हम डालने वाले हैं, तो एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल, और हमारा प्लान जो है बिल्कुल एकदम अचानक से बनाया है, मतलब वृंदावन जाने का। कल प्लान बन रहा था लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर आज हमारा सुबह मतलब मॉर्निंग में ही प्लान बना कि जाना ही है, जाना ही है वृंदावन में। तो बस चलते हैं और दिखाते हैं हमको मतलब वृंदावन में कहाँ जाते हैं, व्लॉग्स लेके आएंगे, व्लॉग्स में बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। तो बस आ गए हैं सारे नीचे और बस चलते हैं वृंदावन। और अभी हमने मम्मी को अभी टेंशन है वॉमिटिंग की गोली की, एक्चुअली वॉमिटिंग की गोली मिली नहीं, केमिस्ट की शॉप बंद हो गई है तो मम्मी को काफी वॉमिट होती है। अरे यार मम्मी को बस पहले से मम्मी सोच लेती है कि वॉमिटिंग हो गई, अरे वो तो फिर तो होनी होनी है। एक घंटा पहले तैयार हो गए थे और तब से पापा हमारे पिछोड़े, चलो चलो। दोस्तों नमस्कार, आज हम जाना चाहो दूर दूर। कितने दूर? इंडिया से बाहर निकलना है। मथुरा वृंदावन जाना दूर। तो बस मौसम भी बहुत ठीक ठाक, बाकी वो चीजें पता रहा कि मौसम नहीं, मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है अभी काफी, मतलब गर्मी नहीं लग रही है फिलहाल, गर्मी लगती तो मैं पहनता ही नहीं। तो बस अब जाते हैं, निकलते हैं मथुरा वृंदावन और दिखाते हैं रास्ते में आपको जो भी मिलता है वो भी दिखाएंगे। और मुझे लग रहा है फैमिली के साथ शायद ये पहला टूर है कि हम सारे के सारे जा रहे हैं, पहला टूर है हमारा मंदिर का कि हम पूरी फैमिली जा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा दूर, काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब चलते हैं जल्दी से। तो हो चुकी है दोस्तों सफर की शुरुआत और निकल चुके हैं यहाँ से हम घर से, अभी बस अभी रास्ते में ही है और दिखाते हैं यहाँ से हम कब पहुँचते हैं वहाँ वृंदावन में। हम एग्जैक्ट यहाँ से 2 बजे निकल रहे हैं अपने घर से, देखते हैं वहाँ पे हमारा कब पहुँचना होता है वृंदावन में। और हमेशा की तरह देखो ये आगे 3 बैठे हुए हैं और हम 2 बैठे हुए हैं, ये एडिटिंग चल रही है अभी यहाँ पे। काशु और ये वैदिक, अब दोनों क्या है फिर, देखती जा रही है दोनों लुका छुपी खेल रहे हैं, ये वहाँ से चुई चुई चिल्ला रहा है। तो ये राइडिंग शुरू हो गई वादी की, एक यहाँ चढ़ा हुआ और एक यहाँ चढ़ा हुआ, ये ऊपर ऊपर ही काशु को देख के भागते हुए इधर आ गया। अभी हम 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं मथुरा वृंदावन। और दोनों सो गए? हाँ, ये दोनों सो गए, थोड़ी शांति हुई पड़ी है इसीलिए, अभी तक तो हल्ला कर रहा था। मम्मी भी सो गई यहाँ पे, मम्मी उठी हुई है। ये आगे गुज्जा, अरे तो भाई गुज्जा कौन था वो? गुज्जा था, गुज्जा तो सफर में चलते चलते हमें लगी है बहुत तेज भूख तो ये है सबके हाथ में सेब और अभी हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि कोई ढाबा मिले तो हम वहाँ रुके, लेकिन अभी ढाबा मिल नहीं रहा तो सब लोग सेब खा रहे हैं। पहले भोग लगाएंगे, सबसे बड़ा सेब भैया के पास, उसके बाद हम खाएंगे। सबसे बड़ा सेब भैया के पास ही है, वो खा नहीं रहे। फाइनली काफी मशक्कत के बाद हमें ढाबा मिल गया है तो उतर गए हैं फाइनली हम। ये देखो मासी के साथ में काशु आ गए हम प्लाजा। काशु को तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों जहाँ पर अभी यहाँ पे हम रुके हैं, मतलब जहाँ पर अभी हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, ये यमुना एक्सप्रेस के सामने है। और कैसी लग रही जगह यहाँ पे?
और काफी अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। और हाँ देखते हैं अभी यहाँ से क्या लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने के काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे मोमोज भी है और सामने यहाँ पे खाने का भी है। तो चलिए फिर करते हैं यहाँ से लंच। तो क्या लेने का विचार है फिर यहाँ से? भाई अभी तो यहाँ से विचार है कि पेट भर जाए तो खाना मिल जाए अच्छा सा, तो उसके लिए जाते हैं अभी अंदर और फिर खाएंगे मोमोज। मोमोज हाँ मोमोज खाएंगे भैया, 80 रुपए की 6 पीस है तो कुछ अलग तो हो गई मोमोज। सही बात है, देखते हैं क्या होता है। बोलना है कि हजरम के भाई देख रहा है यहाँ पे मेन्यू क्या पसंद आया फिर? मुझे पसंद आ रहा है यहाँ पे, अभी तो मैं देख ही रहा हूँ काफी कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा मेन्यू सामने आता है ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लो तो दोस्तों को भी पता चल जाएगा अगर यहाँ पे कभी आते हैं हम तो, यह है यहाँ का मेन्यू। देखो यहाँ पर वैदिक 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 बैठ गए पापा जी मम्मी जी और ये खाने, और वैदिक हल्ला कर रहा है मुझे भी दो बल। तो भाई कैसे हो रहे राजमा चावल यहाँ के? अच्छे हो रहे हैं, काफी अच्छे हो रहे हैं, टेस्टी यम यम। बहुत भूख लग रही थी काफी टाइम से। अरे बड़ी मुश्किल से तो मिला है ढावा यहाँ पे। तो मम्मी पापा खा रहे हैं कुलचा कुलचा और ये आप तो छोले कुलचा बोल रहे, और यहाँ पे खा रहे राजमा चावल। और अभी मैंने वैदिक को लिया हुआ है, अब मेरी बारी आएगी खाने की। वैदिक अपने मम्मा की गोद में चावल खा रहा है थोड़े छोड़े। इसको एक तो ताली बजाने की आदत पड़ गई है तो आजकल बस ताली बजाता रहता है। मुन्ना जी ने वैदिक की खानी प्यामो बच्चू को। तो मैंने तो खाना खा लिया है, यहाँ पे बारी आ गई है वंजिले की। तो कैसा लग रहा है? सही बात है। खाना तो मतलब जो कुछ भी खा लिया है वो तो अलग बात है, लेकिन अब पापा की फेवरेट चीज मिली है वो है चाय। मीनू वाली चाय गरम गरम और भैया अदरक वाल नहीं पी हो ट्राई जरूर करना। आपने पहले पी है? मैंने तो बहुत पी है भैया, मैंने पी भी और पिलाई भी है। खाने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा है और अभी ये मैगी देखने गए हैं यहाँ पे। क्या ले रहे हो? क्या ले रहे हो? अच्छा हाँ ले लो मुझे लगा मैगी ले रहे हो। तो पापा कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर आनंद यार, मन खाना है कि मैं एक रोज रात ये हम लोग चार अरे तुम से आराम से हरियाली और इतना अच्छी है, इतना बढ़िया ये ना ढाबा ना, मतलब क्या पापा कह रहे तुम ढाबा बोली गिरो उसको है। तो फाइनली ले लिया हमने यहाँ पे रूम और पापा जी ने 200 रुपए डिस्काउंट भी करा दिया। और मैंने कहा इनको नीलखंड में हमारा होटल है कुछ भी पहलू नाम से, आप आयो कभी नीलखंड में और आपको हम बड़े चाय पिलाएंगे। तो बस पहुंच गए वृंदावन अभी, और अभी रूम में जाने के बाद थोड़ा मुंह हाथ धोएंगे और हाथ मुंह धोके निकलने वाले हैं फिर हम प्रेम मंदिर में। सरप्राइज एक चीज और है, हम लोग यहाँ पर आए हैं एक्चुअली प्लान बन रहा था हमारा मम्मी और के साथ आने का, लेकिन मम्मी लोगों को हमने बोला है मेरी मम्मी कि मतलब हम नहीं आ पाएंगे, तो अब वो पहुंचेंगे तो उन्हें मिलने वाला सरप्राइज। सही बात है, मतलब उनको अभी तक पता नहीं है कि हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो सरप्राइज देने वाले हैं उनको भी।